हरे कृष्णा राधे राधे। आज आपको वैशाख मास में कही सुने जाने वाली पीपल सीजन और वैशाख स्नान व्रत की कहानी सुनाती हूँ। बहुत ही पावन कहानी है। इस कहानी को सुनने मात्र से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और भक्तों पर कृपा कर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। एक गांव में एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी का देहांत बहुत समय पहले हो गया था। घर में सिर्फ वो और उसकी एक बेटी थी। किसान की बेटी बहुत संस्कारी और भगवान विष्णु की भक्त थी। वो रोज नियम से भगवान विष्णु की सेवा पूजा करती थी। एक समय जब वैशाख का महीना आने वाला था, तब वो गांव के कुएं से पानी भरने गए तो वहां पर गांव की औरतें वैशाख स्नान के विषय में बातें कर रही थी। किसान की बेटी ने जब उनकी बातें सुनी तो बोली, मुझे भी वैशाख मास के बारे में बताओ। उन औरतों में एक वृद्ध अम्मा बोली, बिटिया, वैशाख मास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है। भगवान विष्णु को वैशाख मास बहुत प्रिय है। इस मास में जो भी वैशाख स्नान व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, तुलसी पीपल को सींचता है, उनकी पूजा करता है, उन पर भगवान विष्णु भगवान मधुसूदन बहुत प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा देते हैं। अब किसान की बेटी बड़ी खुश हुई, बोली, अम्मा, मुझे तुलसी पूजा का तो पता है, पर पीपल की पूजा क्यों और कैसे करें? वो अम्मा बोली, बिटिया, याद रखना, पीपल पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल सींचने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो भी पीपल को सींचता है, उसकी पूजा करता है, दीपक जगाता है, उस पर ब्रह्मा विष्णु महेश सभी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। पर याद रखना, रविवार को पीपल की पूजा मत करना, क्योंकि भगवान ने लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी को रविवार को पीपल में रहने को कहा था। अगर कोई रविवार को पीपल की पूजा करता है तो दरिद्रता उसके घर में आती है। अब उन वृद्ध अम्मा जी की बात सुनकर उस किसान की बेटी ने सोचा कि वो भी वैशाख स्नान और व्रत करेगी, तुलसी पीपल को सींचेगी। जब वैशाख आया तब गांव के कुएं पर बड़ी सुबह ही लड़की स्नान कर जाती, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करती। उसका घर खेत के बीच में था। वो तुलसी पूजा तो घर पर ही करती, पर पीपल वृक्ष उसके घर से दूर था, सो वो रोज सुबह ही पीपल पर जल चढ़ाने जाती, पूजा प्रार्थना करती। वो लड़की अपने पिता के लिए हमेशा दुखी रहती थी। उसके पिता दिन रात मेहनत करते, पर तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते थे कि दोनों समय उन लोगों को खाना मिल सके। वैशाख मास में लड़की रोज नियम से जाती, पीपल सींचती, पूजा करती, वहीं खड़े खड़े भगवान का ध्यान करते हुए उनसे बातें भी करती, अपनी गरीबी और परेशानी के बारे में भी बोलती। उसने खूब मेहनत करके वैशाख का स्नान व्रत पूरा किया। उसके इस व्रत से भगवान खुश थे। वैशाख शुक्ल एकादशी पर सुबह जब वो लड़की पीपल सींचने गई तो उसमें से एक लड़की बाहर आई और बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं रोज तुम्हारी बातें सुनती हूँ और अब मैं तुम्हें अपनी सखी बनाना चाहती हूँ। किसान की बेटी बोली, मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, कल मुझे बताना। अब वो लड़की अपने घर गई और अपने पिता को सारी बात बताई। उसके पिता भागवत भक्त थे। उन्हें पता था पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास होता है और जहां भगवान विष्णु होते हैं वहां माँ लक्ष्मी जरूर होती है। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, माँ लक्ष्मी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है और तुम्हें अपनी सखी बनाना चाहती है, तो इससे अच्छी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। अगले दिन द्वादशी पर जब लड़की पीपल सींच रही थी तब माँ लक्ष्मी उसके सामने फिर आए। उन्हें देखकर लड़की बड़े प्रेम और आदर से बोली, आज से आप मेरी सहेली हो। अब दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगे। दो दिन बाद लक्ष्मी जी किसान की बेटी को अपने घर ले गए। अपने घर में लक्ष्मी जी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया, उसकी खूब खातिर की, उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब किसान की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे बोला, सखी, अब तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? किसान की बेटी को कुछ सूझा नहीं। वो बोली, कल वैशाख पूर्णिमा है, मेरे वैशाख स्नान व्रत का उद्यापन है, तुम कल ही आ जाओ। लक्ष्मी जी ने बोला, ठीक है। किसान की बेटी घर वापस आ गई, अपने पिता को सारी बात बताई, माँ लक्ष्मी जी के निवास स्थान की खूब तारीफ की, बढ़िया खाना, सुंदर घर, आलीशान चीजें, सब बहुत ही बढ़िया था। सारी बातें बताने के बाद किसान की बेटी उदास हो गई और एक किनारे पे बैठ गई। किसान ने पूछा, क्या हुआ, अभी तो इतना चहक रही थी, अभी उदास कैसे हो गई?
किसान की बेटी बोली, बाबा कल वैशाख पूर्णिमा को मेरे वैशाख स्नान व्रत का उद्यापन है। मैंने कल लक्ष्मी जी को भी बुलाया है, पर अब डर लग रहा है, उनकी खातिर कैसे करूंगी। किसान बोला, बेटी कोई चिंता न कर, माँ लक्ष्मी को प्रेम भाव और सच्ची भक्ति चाहिए जो तुझ में है, इसलिए उन्होंने तुझे अपनी सहेली बनाया। अब तो तू ये कर कि घर की अच्छे से साफ सफाई कर, माँ लक्ष्मी को गंदगी बिल्कुल नहीं भाती, साथ ही भोग में तू उनके लिए खीर बना। लड़की ने पिता की बातें मानते हुए घर की खूब बढ़िया से साफ सफाई की, फिर भोग में बढ़िया खीर बनाई, पीपल के वृक्ष पर जाकर माँ लक्ष्मी को बुला लाई। माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु भी पधारे। लड़की ने दोनों की खूब बढ़िया से खातिरदारी की, माँ लक्ष्मी और भगवान को जिमाया। जिमाने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम अपने लिए क्या चाहती हो वो मुझे बताओ। लड़की बोली, हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे अपनी भक्ति और सेवा देना, मैं जब तक जीवित रहूं आपके वैशाख मास का स्नान व्रत करती रहूं, गरीब दुखी जरूरतमंद लोगों की सेवा करती रहूं। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा, और दोनों अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही वो गए, घर की जगह महल हो गया, घर धन धान्य से भर गया, खूब दौलत ऐश्वर्य आदि हो गया। हे माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान, जैसे आप उस किसान की बेटी से प्रसन्न हुए, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भट्टे सब पर प्रसन्न होना, हम सब पर, हमारे परिवार पर, पियर में, सासरे में, सब पर अपनी प्रसन्नता बनाए रखना, बेटे पोते देना। हे माँ लक्ष्मी, हमें भी ऐसा सौभाग्य देना कि हम भी आपकी सहेली बन सके, हमें अपनी भक्ति सेवा देना। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, सबके दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैशाख के ठाकुर की जय, वैशाख स्नान की जय।